देखो यार, अगर तुम लोगों ने अभी तक फॉरबिडन डोर के ऊपर बीसीसी और लीड का ब्रूटल मैच नहीं देखा है तो गाइज तुम लोगों ने जबरदस्त मैच मिस कर दिया है, क्योंकि गाइज आज फॉरबिडन डोर के ऊपर हमें इलीट और बीसीसी के बीच में बैक एंड फोर्थ एक बहुत ही ब्रूटल मैच देखने को मिला, जहां पर आज इस मैच के अंदर कोनोसुके तकेशिता पहली बार बीसीसी के साथ हमें टीम अप करते हुए दिखाई दिए। और गाइज यहां पर आज इस मैच के अंदर जब रिंग के अंदर कोनोसुके तकेशिता और तोमोहिरो इसी आते गए तो गाइज इन दोनों के बीच में बैक एंड फोर्थ हमें एक तगड़ा पावर एक्सचेंज देखने को मिलता है। और गाइज एक टाइम पर इस मैच के अंदर तोमोहिरो इसी के ऊपर कोनोसुके तकेशिता एक ऐसा एल्बो ड्रॉप लगाते गए कि गाइज तोमोहिरो इसी मैच के अंदर लगभग नॉकआउट हो जाते गए। बट गाइज इसके बावजूद भी आज इस मैच के अंदर इलीट की तरफ से काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस होती गए। और गाइज जब यहां पर हैंगमैन एडम पेज टैग करके अंदर आते गए तो गाइज वो अकेले बीसीसी की पूरी वाट लगा देते गए। बट गाइज बात करें यहां पर ओवरऑल पूरे मैच की तो गाइज आज ओवरऑल इस पूरे मैच के अंदर बीसीसी ज्यादातर टाइम पर इस मैच को डोमिनेट करती गए। और गाइज इस मैच के अंदर आइकॉनिक मोमेंट तब आता है जब जॉन मॉक्सली और एडी किंगस्टन रिंग के अंदर होते गए, जहां पर ये दोनों एक दूसरे को पहले तो अटैक नहीं करते गए। बट गाइज इसके बाद जॉन मॉक्सली एडी पर एक चॉप हिट करते गए, जिसके बाद कि एडी किंगस्टन भी जॉन मॉक्सली के ऊपर बैक एंड फोर्थ काफी सारे चॉप हिट करते गए। और गाइज आज फॉरबिडन डोर के ऊपर करीबन 25 मिनट के ब्रूटल मैच के बाद फाइनली मैच के एंडिंग मोमेंट के ऊपर व्हीलर यूता और तोमोहिरो इसी रिंग के अंदर होते गए, जहां पर व्हीलर यूता के ऊपर तोमोहिरो इसी उनका फिनिशर ब्रेन बस्टर हिट करते गए। और गाइज इसी के ब्रेन बस्टर के साथ तोमोहिरो इसी व्हीलर यूता को पिन करके इस मैच को जीत जाते गए। और गाइज फॉरबिडन डोर के ऊपर इलीट बीसीसी को बीट कर देते गए।